लगा रहे हैं अशोक के पेड़, लिए तो हमने इनको कल ही था पर कल लगा नहीं पाए थे, और जिनसे हमने लिए थे उन्होंने एक पौधा दिया था 240 या 220 ऐसा कुछ, तो हमने दो लिए थे। वो पौधे जो इन फ्यूचर पेड़ बनेंगे, उन्होंने बोला था कि 6 फीट का है, बट इनमें से एक ही पौधा है जो शायद 6 के करीब करीब है ये वाला, बट ये तो 4 फीट के करीब करीब रह गया। पहले हमें बचाव करना पड़ता है दीमक का, क्योंकि यहाँ पे दीमक बहुत है, बहुत ज़्यादा है, कोई भी पौधा लगाओ फट से उसमें दीमक लग जाएगी, वो जल जाएगा। तो अगर वो कोई ऑर्गेनिक चीज़ लगाने के बारे में हम सोचते तब तो हम उसमें DDT वगैरह पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालते, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं इनमें ऑर्गेनिक का, क्योंकि हमें इन्हें खाना थोड़ी ना है, तो हम इसमें डालेंगे DDT पाउडर पहले और फिर उसके बाद उन्हें डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये लगा दिया हमने DDT पाउडर, अब हम करेंगे इसमें ऐसा गड्ढा, तो थोड़ा इसमें और डालेंगे। ये एकदम स्ट्रेट जाएगा, फैलेगा नहीं, तो इसको नीम के पेड़ के पास लगा सकते हैं। अशोक का पेड़ ये एकदम स्ट्रेट जाएगा, इधर उधर ज़्यादा फैलेगा नहीं, तो इसलिए हमने ना इसको इस नीम के पेड़ के पास ही लगा दिया, क्योंकि इतनी अब ज़्यादा जगह है नहीं हमारे घर में, तो इसको हमने इसके पास लगा दिया। और जो दूसरा है ना वो इसके पास लगाएंगे, ये जो दिख रहा है ना पौधा, इस पौधे के और इस बेल के बीच में लगा देंगे यहाँ पे। बना लिया है हमने दूसरे के लिए गड्ढा, हमारे घर में खुम्बी लगी हुई थी और मेरी नजर में ही नहीं आई, अब तो ये शायद खराब हो चुकी है। अरे नहीं बिल्कुल सही है, अरे खराब भी को नहीं हुई अभी तक, पर एक ही है, अब एक से बनेगा क्या। उधर वाला लगाया था वैसे ही हम ये लगाएंगे सबसे पहले, भर भर के DDT खेत में। अरे तुम 20 में हो जाए, 22 में काल मकान को बना दो। काली क्यों लगाएंगे, मैं 2 महीने को नहीं आता छाया खातर, और नहीं मैंने एक नहीं मोड़ लगा दूंगी। यस अम्मा थोड़ा नीचे कर, थोड़ी सी जगह में ना कितने लगा दिए, 5 लगा दिए, जिसमें से 3 पेड़ बनेंगे। नीम तो बन ही रहा है, ये उसके बाद अशोक लगा दिया, ये कोई फूलों वाला ही पौधा है, फूल तो क्या ही आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही गंदे से फूल आते हैं, बस ठीक है ग्रीनरी है इसलिए इसको छोड़ रखा है। और ये तो अपराजिता है ही, और इसके नीचे ना जितने भी इसके बीज गिरे ना सारे के सारे, ये देखें सारी बेलें बन गई है। शाम का टाइम है तो झूमर को गोमती को इधर बांध दिया है, और गोमती का जो हिचारे वाला जो था इसको इधर ले आए हैं, क्योंकि उधर जब भी बारिश आती है ना तो वहाँ पे बहुत कीचड़ हो जाता है, और यहाँ पे रख दिया, तो अब शाम को जब चुन्नू मुन्नू इसके साथ बंधेगी तो वो भी खा लेगी, तो ये इसके साथ है। अब गाय और भैंस तो वहीं हैं, और उधर वो जगह थी वो खाली पड़ी है। भाई ने एक शुभ काम कर दिया, उसने इसकी छटाई कर दी है, और जब इसे टूट जाती मैंने दिखाया था आपको बहुत ही घनी हो गई थी, तो अभी इसकी नीचे से ना बिल्कुल कटाई कर दी है, और ये नीचे आपको एक धागा दिख रहा होगा बंधा होगा ये वाला, ये जब उसके पुस पुस के जो बच्चे थे
तो उनमें से एक ने ये लटक लटक के इसके डंडे ना नीचे कर दिए थे, तो उनको वापस एक बार शेप देने के लिए ना बांध रखा है, थोड़े दिनों के बाद इसको खोल देंगे। ये तुलसी मैंने आपको दिखाई नहीं थी, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है ना उसमें लगी हुई है, और ये भी उसी तरह से फैली हुई है, बांध नहीं रखा हमने इसको भी, तो ये वैसे ही फैली पड़ी है। और मैंने आज लगाया है अशोक का पेड़, और आ जाएगी बारिश, मौसम बहुत ही खतरनाक वाला हो रखा है बारिश का, तो उम्मीद है बारिश आज या कल में जब भी आएगी आई जाएगी, और ये तो पक्का लगने ही वाले हैं, नो डाउट। ठंडी हो गई है ना, मतलब शायद आस पास में कहीं पे बारिश हुई है, तो बहुत ही अच्छी जो हवा आती है ना वो है, वो एक बहुत थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद जो उमस होती है उससे बेटर है कि बारिश ना हो, के अगर ऐसी हवा चलती रहे तो मौसम ज़्यादा अच्छा है। नीम के पास ही खुद से ही उगी है, हमने इसको लगाया नहीं है, ये है शीशम का पेड़ तो फ्यूचर में बनेगा। और अभी माँ और भाई ना ये बात कर रहे थे इसको कहाँ लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ना हर घर में ये है और शीशम की छाया ना बहुत अच्छी होती है, तो बस छाया के पर्पज से अब इसको लगाने के लिए ना जगह तलाश की जा रही है कि इसको कहाँ लगाया जाए। इस पे नीम बोली कुछ तो मैंने उस दिन तोड़ ली थी, अभी कुछ और भी लग रही है, तो ये सारी निम्बोली खेत में भेजी जाएगी और वहाँ पे लगाया जाएगा मीठा नीम, खरी पत्ता। आप पार्टी लगाऊंगा